झाबुआ की थानला तहसील के ग्राम पंचायत सागवा में सौतेली मां का कहर देखने को मिला, जहां एक 12 वर्षीय बालक अपने सौतेली मां और बाप की वजह से इतना परेशान हुआ कि घर छोड़कर भाग गया और जंगल में भटक रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति शंकर ने उसे देखा और उसके ऐसे घूमने की वजह पूछी तो जानकर दंग रह गए। बच्चे ने बताया कि उसकी माँ एवं उसके पिता द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है एवं उसे उल्टा लटका कर मारपीट भी की जाती है। मैं तुम्हारा विनोद, थोड़ा जोर से बोलो विनोद, है ना। कौन से गांव में रहते हो? ये कौन सी तहसील में आता है? थानला में आता है ना। तो ये झरिया में से तुम यहाँ से क्यों आ गए, क्या कारण था? मेरे माता पिता मारते हैं बहुत। क्यों मारते हैं? स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाने देता और मेरी माँ को नहाड़। तो तुम्हारी ये जो अभी है, तुम्हारी माँ जो सौतेली माँ है क्या ये? हाँ। तो तुम्हारी सगी माँ कहाँ है? मेरा मामा के। मामा के यहाँ छोड़ दिया उनको। तो तुम्हारे काका बाबा को बोला था कि ये मेरे पिताजी मेरे को मारते हैं तो छुड़ाओ, बोलते हैं? बोलते तो उनको कहता कि मार तो मेरे। ऐसा तो तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ। तुम यहाँ क्यों आए? ये तुमको पहचानते हैं क्या ये यहाँ पर आए? नहीं, नहीं पहचानते। तो तुम पढ़ना चाहते हो? लकड़ी से मारते हैं कि क्या करते हैं? लकड़ी से और उंधा लटका के। उंधा लटका देते। तुमको खाना देते कि नहीं देते? खाना तो देते पर स्कूल और ऐसे नहीं जाने देते। स्कूल नहीं जाने देते हैं। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो तुम? सातवीं। तो कहाँ पे पढ़ रहे हो ये अभी? सागवा। सागवा के अंदर ही पढ़ रहे हो? तो आगे और पढ़ने की इच्छा है तुम्हारी? है। यदि सरकार तुम्हारे को अन्य स्कूल में या छात्रावास में भर्ती कर दे तो? ठीक है। पढ़ने जाओगे? ये जो बच्चा है आप कहाँ से मिला आपको ये? ये तो खेत तरफ से आ रहा था, इधर रोता रोता, तो मैंने इसको बोला कहाँ जा रहा बेटा, तो बोले कि मेरी माँ बहुत मारती है, ऐसे करके बोला इसने। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने बोला चल मेरे लड़के के साथ खेलना रहना, फिर उसके बाद इसको जम गया तो बोले कि मैं यहाँ ही रहूँगा, ऐसे तो, करके बोला इसने। फिर उसके बाद इसको बोला कि यार तेरे को पढ़ना चाहना है, तो बोले कि ये तो बोल रहा था मैं पढ़ूँगा। फिर इसको 2-4 दिन 10 दिन कम से कम मोबाइल में पढ़ाई, मोबाइल में पढ़ा। फिर उसके बाद इसने क्या करा कि मैंने बोला कि तेरे को स्कूल भेजो, तो फिर स्कूल में गया 2-3 जगह दाखिला कराने, तो कागज़ की कमी आ गई, तो कागज़ इसका मिला नहीं, इसके कारण ये अभी यहाँ हीरे रहा है। तो आपने इसके पिताजी जो एड्रेस बताया उस पर उनको कहा था कि हमारा बच्चा हमारे यहाँ पे है ऐसा? नहीं। अच्छा, नहीं किया वो? नहीं, उन्होंने कोई गुमशुदी की तलाश? हाँ, उन्होंने भी तलाश नहीं किया। तलाश नहीं करी। तो ये आपने वहाँ गांव के सरपंच वगैरह को इत्तला कर दी थी क्या? हाँ, करी थी। सरपंच को बताया था? सरपंच को बताया था। यदि इसके कागज पूरे हो जाते हैं, उसका एडमिशन हो जाता है, तो आप इसको क्या रखोगे? ये रखेंगे तो नहीं, पर लेकिन ये बोल रहा मेरे को पढ़ना चाहता है, तो लेकिन सरकार की मदद के अपने को क्या रखना, मेरे को खुद के बच्चे है। तो आप पढ़ाने की आपकी इच्छा है? इसको आप पढ़ाओगे? इसको आपके खर्चे से ही पढ़ाओगे? क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण, कौन सा गांव में रहते हो? सतेर। पेटलावत में आता है ना? पेटलावत में। हाँ, किया था। कन्याशाला में 2-3 बार गया था, तो उसने बोला कि भैया यार कागज़ चाहिए, और फिर रही बात अभी थोड़ी जगह नहीं है और टाइम भी हो गया है तेरा, ये एंड मौके में भी आया था ये, इसके लिए मैंने कोशिश की थी। और 2 बार रतलाम गया था, तो रतलाम भी बोले कि अभी तो जगह खाली नहीं है, बोले कागज़ ज़रूरी चाहिए, और फिर रही बात उसका मम्मी पापा का नाम, और मम्मी पापा का कागज़ लेने जाते हैं तो फिर मिलता नहीं, दिक्कत हुआ आई, इसके लिए अभी रह गया है। ना तो हम काम का बोलते हैं, ना कुछ भी, निकाली खाना पीना खाता है, रहता है, खेलता है। इसके माता पिता पर कोई आरोप लगाए? कुछ भी नहीं, डर लगा, इसने सब बता दिया था यहाँ पे कि भाई मेरे को मार कूट करते हैं, मैं पढ़ने जाता हूँ, मेरे को पढ़ने नहीं भेजते हैं। आप पहले से इसको कभी देखा, जानते हो? कभी नहीं जाना। माता पिता के कभी, बारे में कभी नहीं जाना, ना तो कभी देखा ना कभी जाना। इसके पिताजी का क्या नाम है, मालूम? आप नहीं मालूम? उससे पूछो, पिताजी क्या नाम है? क्या नाम? खुमचंद। खुमचंद, खुमचंद। ये सागवा झरिया में है ना? हाँ, सागवा झरिया में आता है। ठीक है। एक और
सरकार चाह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिले, बालक बालिकाएं पढ़ें, और इसके लिए सरकार अनेक योजनाएं भी लागू कर रही है। परंतु माता पिता यदि चाहे तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोई ऐसे अभागे माता पिता होते हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनको मारपीट कर रहे हैं। हमारे साथ में आप ये जो देख रहे हैं जो बच्चा है, ये एक सागवा का है, पढ़ना चाहता है परंतु माता पिता इसको मारते हैं और उल्टा लटकाते हैं और खाना पीना भी नहीं देते हैं। खाली इसका ये कसूर है कि इसका ये चाह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, परंतु माता पिता इसको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा कह रहा है खुद अपने को कि मेरी माँ सौतेली है और पिताजी भी मारते हैं और माताजी भी मारती है, और ये अपने परिवार वालों से काका से इनसे कहता है, तो उनके काका वगैरह कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, चाहे मारूँ या इसको कुछ भी करूँ। ये बच्चा एक दो महीने पहले जंगल में भटक गया था, ये हमारे साथ में है, इनको ये बच्चा मिला, अपने घर पर लेकर आया, और इनको ये भी कोशिश करी इन्होंने कि मैं स्कूल में जाऊँ, तो स्कूल में कोशिश करी, परंतु कागज़ के अभाव में बच्चा का एडमिशन नहीं हो पाया है। आखिर अब देखते हैं जिला कलेक्टर या जो भी सी संस्थाएं हैं इस बच्चे का शिक्षा में क्या योगदान देती है। हम आपको आपके चैनल पे इस बच्चे की पूरी आप बीते बताएंगे। झाबुआ से साबिर मंसूरी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।